अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक व्लॉग प्रोवाइड किया जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वेदर आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन ये सेकंड एपिसोड आज की डेट में होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा अचानक से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेदर बन चुका है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। माल रोड की इंशाल्लाह डिफरेंट क्लिप्स प्रोवाइड करूँगा, आप लोग जो है वो पूरा माल रोड इस व्लॉग में इंजॉय करोगे। काफ़ी खूबसूरत शेप बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत शक्ल बनी हुई है माल रोड की, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माल रोड ये जब से अचानक से फोग हमें देखने को मिली। तो चलें इस व्लॉग में डिफरेंट क्लिप्स में माल रोड के आपको प्रोवाइड करूँगा। माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, सामने कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा। रमज़ान का मंथ है, रमज़ान की अपनी ख़ुद की खूबसूरती और साथ में इस मौसम की खूबसूरती माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। शायद हो सकता है स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाए, वेदर तो काफ़ी ठंडा है। यार जीपीओ की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ से वापसी जी नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन बहुत सारा कंटेंट मैंने शूट करना है माल रोड के, डिफरेंट क्लिप्स आपको प्रोवाइड करने हैं। सो अगर व्लॉग का मैक्सिमम पार्ट यहीं से हुआ इतनी खूबसूरत जगह से, तो फिर तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है माल रोड, इंशाल्लाह हम डिफरेंट क्लिप्स आपको माल रोड की डिफरेंट लोकेशन से प्रोवाइड कर रहे होंगे जिसमें आप जो है वो माल रोड को इंजॉय कर सकोगे। प्रीवियस एपिसोड में भी आपको बताया कि सीएम पंजाब की तरफ से ये रमज़ान सस्ता बाजार मरी की आवाम के लिए जो है वो लगाया गया है यहाँ पे, तो जिसमें टूरिस्ट वगैरह भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दुकानों वगैरह की सिचुएशन देखें, प्रीवियस एपिसोड में तो आपने देखा माल रोड बंद पड़ा है, अभी भी दुकानें बंद ही हैं क्योंकि कोई इतने ख़ास टूरिस्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे। और प्रीवियस एपिसोड अगर आपने देखी हो तो उसमें देखा होगा यहाँ के मकामी लोग मैक्सिमम है, क्योंकि कई लोग मुझे व्लॉग में मिले जिन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की दुआ सलाम करके, असल में जानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर दुआ सलाम वगैरह करते रहते हैं, तो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, क्रिएट हुई होगी व्लॉग में। तो बताने का मकसद ये है कि मकामी लोग ज़्यादा रोज़ाना इतने नहीं मिल रहे होते और टूरिस्ट लोग कम हैं, लोकल लोग ज़्यादा हैं। वाओ क्या अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है यार, आज जस्ट खामोशी है क्योंकि टूरिस्ट लोग भी नहीं हैं, माल रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इस खामोशी में ये खूबसूरत मंज़र, और जैसे कि स्टार्ट में आपको बताया कि रमज़ान की अपनी साथ की ख़ुद की खूबसूरती है, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है माल रोड, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दरख्त देखें आप मिड में कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये मुरझा गया, कोई और दरख्त इसके साथ होना चाहिए जो इसकी जगह ले ले, अगर ये खुदा ना खास्ता गिरता है टूटता है तो इसकी जगह कोई और दरख्त ले ले। प्रीवियस एपिसोड अगर आपने देखी हो तो उसमें आपने टाइम देखा होगा, उसमें और इसमें डिफरेंस देख लें कि कितने थोड़े से टाइम में कितना मेजर डिफरेंस वेदर में हमें देखने को मिला। ये मैं टाइम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इतना वेदर डिफरेंस अचानक से हमें देखने को मिला, ये सेकंड ऑफ रमज़ान का व्लॉग है। स्नो का सीज़न ख़त्म है, चांसेस नहीं लग रहे, वैसे ऐसा वेदर और स्नो साथ में और ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता है माल रोड। अभी हल्की बारिश हो जो है वो साथ स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा यार फिलहाल तो बारिश ही स्टार्ट हुई है, स्नो वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो रूम रेंट वही जो प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया बहुत मुनासिब ही चल रहा है। जो लोग अगर विज़िट करना चाहते हैं इस खूबसूरत वेदर को देख के, काफ़ी सारे लोगों का जो है वो शौक पैदा हुआ होगा कि जाना चाहिए, तो रूम रेंट वगैरह बहुत मुनासिब है, प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया। उम्मीद है ये आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि यह एपिसोड आपको कैसी लगी। थैंक यू।